हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर सिंह मेरा नाम रीता चौधरी है आज का टॉपिक कॉली लीथियासिस के ऊपर है इससे पहले हम गॉल ब्लैडर के बारे में जानेंगे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर ये ये क्या है गॉल ब्लैडर है तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गॉल ब्लैडर क्या है कि स्मॉल मतलब छोटा पाउच लाइक ऑर्गन है जैसा आप देख भी रहे हैं एक पाउच जैसा बना हुआ है लिवर के नीचे ये पूरा लिवर है और लिवर के नीचे ये जो पाउच लाइक छोटा सा जो ऑर्गन बना हुआ है ये क्या है गोल ब्लेडर है और ये गोल ब्लेडर टमी मतलब पेट के ऊपर की तरफ राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ प्रेजेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम करता है ये बाइल भी बाइल क्या है एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि लिवर बनाता है गॉल ब्लेडर नहीं बनाता तो जो लीवर बाइल बनाता है उसको कौन स्टोर करता है हमारा गॉल ब्लेडर ठीक है और आखिर इस बाइल की ज़रूरत क्या है ये बाइल जो है जो हम फैट्स वगैरह खाते हैं तो ये फैटी फैटी फूड्स को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है तो जब भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है तब ये बाइल गॉल ब्लेडर से निकल के हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है तो ये केवल स्टोर हाउस है बाइल का लेकिन ये बनाता नहीं है इसके बाद आते हैं कई बार आपने सुना होगा कि स्टोन जो होते हैं गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि तुम्हारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट होते हैं तो उन स्टोन को क्या बोलते हैं हम गॉल स्टोन That time, जब गोल्प ब्लेडर में स्टोन प्रेजेंट होंगे तो उन स्टोन को हम बोलते हैं गोल स्टोन इसके अलावा इनका दूसरा नाम क्या है कॉलीलिथिया ठीक है तो हमारा मेन टॉपिक क्या हैिथिया क्या है स्टोन ऑफ गोल ब्लैडर इज नोन एज कॉलीथियास ठीक है अब यहाँ पर जो गोल स्टोन होते हैं ये किससे बने होते हैं सॉलिड मटीरियल के पीसिस से बने होते हैं और ये गोल स्टोन जरूरी नहीं है गोल ब्लेडर में प्रेजेंट हो ये लिवर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जनरली पीपल को गॉल ब्लैडर की नीड नहीं होती क्योंकि ये केवल स्टोर का, का काम करते हैं ठीक है तो डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा स्टोन हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो गोल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं ये जनरली सुनने को मिलता है लेकिन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जनरली गोल ब्लैडर की नीड नहीं होती है सो डॉक्टर डस सर्जरी टू टेक इट आउट सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर यूजल मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट दे के भी इस गॉल ब्लेडर के स्टोन को ठीक कर देते हैं सर्जरी कब की जाती है ये मैं आगे बताती हूँ द यूजल ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन इट सर्जरी टू रिमूव द गॉल ब्लेडर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर थ्रू सर्जरी सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लेडर को रिमूव करना क्या कहलाता है कॉलीसस्टक्टोमी ठीक है डॉक्टर रिकमेंडेड कॉलीसस्टक्टोमी इफ पेशेंट है गोल स्टोन इन द ग ब्लेडर अगर बहुत ज़्यादा गोल ब्लेडर में गोल स्टोन प्रजेंट है ही डॉक्टर बोलेगा कि हाँ भाई कॉलेक्ट कॉलिसक्टोमी करा दे मीन कि गोल ब्लेडर को रिमूव करा देते हैं और ये गोल स्टोन कहाँ प्रजेंट हो या तो गोल ब्लेडर में या बाइल डक्ट में ठीक है इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और अलग बताई गई है डॉक्टर समटाइम यूज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मैनी टाइम जैसा मैंने आपको बताया डॉक्टर मैनी टाइम सर्जरी नहीं करते और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी जो स्टोन्स होते हैं उनको ठीक कर देते हैं ठीक है और लेकिन ठीक कौन से स्टोन को करते हैं डॉक्टर समटाइम यूज़ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट टू ट्रीट कोलेस्ट्रोल स्टोन अगर कोलेस्ट्रोल से कोलेस्ट्रोल जो होता है उससे बने हुए स्टोन होंगे तो डॉक्टर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं लेकिन अगर पिगमेंट से बने हुए स्टोन होंगे तो डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं कि भाई सर्जरी करा लो अगर सर्जरी नहीं कराओगे तो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन हैं वो क्या होंगे नहीं ख़त्म होंगे तो अगर पिगमेंट के थ्रू स्टोन बनते हैं तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं और कोलेस्ट्रोल के जो स्टोन होते हैं तब डॉक्टर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं पेशेंट पर पे। गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और रिलीज़ करता है किसको बाइल को और ये बाइल जो है ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है ये जो बाइल है यही बाइल कोलेस्ट्रोल को और क्या करता है बिल्ली रूबिन को बेस्ट के रूप में लेके चलता है और इसी से जब ये कोलेस्ट्रोल की मात्रा या बाइल पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बाइल में तभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं ठीक है थीके? गोल स्टोन आर एंड प्रोडक्ट जो गोल स्टोन है ये एंड प्रोडक्ट है किसका आर बी सी का आर बी सी जब ब्रेक डाउन होती है तो कई सारी चीज़ें बनाती है उसमें से मतलब कई सारी चीज़ों में टूटती है उसमें गोल जो कोलेस्ट्रोल है ठीक है और जो पिगमेंट्स है ये भी इसका एंड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं गोल स्टोन दो तरह के होते हैं जैसा मैंने अभी आप आपको बताया एक होते हैं कोलेस्ट्रोल के स्टोन जो कि यूजली ग्रीन और येलो कलर के होते हैं ठीक है दूसरा 80 परसेंट केसेस में जो स्टोन बनते हैं वो कैसे होते हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन होते हैं ठीक है दूसरे टाइप के जो स्टोन है वो कैसे होते हैं पिगमेंट स्टोन होते हैं दीज स्टोन आर स्मॉल ये वाले स्टोन जो होते हैं जो पिगमेंट से जो बनते हैं वो स्मॉल होते हैं छोटे होते हैं ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं और डार्क कलर के भी हो सकते हैं ठीक है और दे आर मेड अप ऑफ बिल्ली रूबिन पिगमेंट्स और ये किससे बनते हैं बिल्ली रूबिन पिगमेंट से बनते हैं जो कि पिगमेंट वाले स्टोन होते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे येलो कलर के स्टोन और ये येलो कलर के स्टोन मीन्स किसके बने हुए हैं कोलेस्ट्रोल से तो अगर कोलेस्ट्रोल के स्टोन होंगे तो डॉक्टर इसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से सही कर देगा लेकिन अगर यही स्टोन पिगमेंट के थ्रू बने होंगे मीन्स छोटे होंगे और डार्क होंगे डार्क कलर के होंगे या ऑरेंज कलर के होंगे तो इट मीन्स ये पिगमेंट स्टोन है तब डॉक्टर बोलेगा कि इन स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट है ठीक है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको इसका बड़ा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे जितने भी वीडियो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरे अदर वीडियोज़ को लिंक को ओपन करके भी देख सकते हैं थैंक यू